वैसे तो यहाँ पे एक ही शू चलता है डेली, पर आज दो बार चल गया क्यों? क्योंकि हमारी किस्मत बहुत अच्छी है और आप लोग पूरा व्लॉग जरूर देखना, क्योंकि देखना यार बहुत अच्छा है, इतनी अच्छी लाइट है, मतलब इतना अच्छा शो कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा। देखना ही अब तक का मेरा सबसे बेस्ट है। गार्ड से लड़ाई झगड़ा सब हो गया, कितने झूठ बोला ये वो, और ऐसा कुछ नहीं कि अधिकारी आए हुए थे देखने के लिए, वो एक बार और शो चल गया। वैसे एक ही बार चलता है, 8 बजे ना, 8 बजे तक चलता है, तो फिर आप लोग देखो पूरा वीडियो। हम लोग जा रहे हैं सूर्य कुंड, ये देखो। अयोध्या, ये देखिए यहाँ पे यही लग रखा है अयोध्या में। हम लोग आएंगे यहाँ स्पेशली, यहाँ कभी आप लोगों को दिखाएंगे किसी दिन। आप लोग फिलहाल ये देखो, हम लोग हाईवे पे है क्योंकि सिटी से रास्ता ब्लॉक है, तो इसलिए ये देखिए हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, पर लाइट्स नहीं है शायद। ये क्या लाइट ही नहीं ऑन है यहाँ। कुछ लोग छिपते ही रहते हैं, कौन सी मंदिर ही बंद था, मंदिर है, हाँ मंदिर है, बंद था बहुत ज्यादा। वो चल रहा है, देखो कितने बदतमीजी चल रहा है, देखो ये क्या बदतमीजी है, चलो चले। सारे 8 घंटे बंद था, पर कोई अधिकारी आए हुए तो इसलिए खुल गया, इसलिए खुल गया है। अभी दिल से वो देखने चल रहे, पहले दिखा देते वरना वही बंद हो जाएगा। एक सेकंड ये देखिए शो, गंभीर थे उनके लिए मुकुट अथवा राज सिंहासन वैभव का रोग नहीं। अब कैसे सुखी दिखे जब तक सुखी सारे लोग हैं। तब दिशा निर्देशन के लिए श्री राम ने स्वयं उन्हें सोच नहीं क्या उचित है, प्रजा के लिए, उनके लिए, वंश के लिए, धर्म के लिए, शांति के लिए, इसी परामर्श के लिए अंतर्मन से उन्होंने सूर्य देव को कहा। कितना सुंदर है ना, ये कौन है, कार्तिक है? नहीं। वाह वाह, इधर देख कितना सुंदर है। मैं अयोध्या पवित्र से पवित्रतम हो गई हूँ, आज स्वयं श्री राम के अंदर है मर्यादा पुरुषों। श्री सूर्यदेव आने को है, पहली किरण के स्पर्श से कलियां एक एक कर खिलने लगी, जीवन की कांति हर ओर धीरे धीरे फैलने लगी। शरीर अपने अलौकिक स्वरूप में पधारे हैं श्री सूर्य देव, सुंदर चीज यही है, और उनके अधीर मन के संशय मिटाने को
अधीर हूँ या गंभीर, न जानता हूँ क्या उनकी पीर। माँ कौशल्या को प्रणाम, कहाँ है राम? अरे भूलूं ये बात कि कौन पड़ा है, आ गया हो तो आपके चरण छूं। अरे नहीं नहीं, ये क्या बोलते हैं आदिपुरुष, ऐसा अनुग्रह सर्वथा उचित है। राम वंशज हैं आपके, क्यों आपका भागीदारी बनाते हैं पितामह होंगे ब्रह्म लोग, अब धरती पर जगलोक में आ गए। सूर्य देव के आगमन पर माँ कौशल्या उन्हें मिली और विनती की कि हे देव, मेरे पुत्र की दुविधा दूर करें, उन्हें राह दिखाएं, ताकि अयोध्या का, पूरे भारत का भविष्य निर्धारित हो सके। आपकी जब पहली किरणें आती है तब गोचारण होता है, चिड़िया गाती है, लेकिन इन दिनों कितनी उदास। कारण है उनके राम की एकाग्र साधना और सुदीर्घ उपवास। सिंहासन की ओर चरण धरना नहीं चाहते, धारण नहीं करना चाहते हैं मुकुट। कोई बात, राज्य अभिषेक के बाद राज्य जो भी चला है, राम राज उसका ही तो कहलाएगा। मैं आ चुका हूं तपस्वी राम, अपने नेत्र खोले। प्रणाम पितामह, प्रणाम राम मेरे राम। पितामह राम राज क्या है? राम स्वयं पूछ रहे हैं कि राम राज क्या है, उनका नया प्रश्न है। अभी तो आप कह रहे थे जो भी चलाए कि राम राज में राम के लिए भी विधान होंगे। आदिदेव, कुछ अनुमान तो मुझे है, लेकिन अब आप बताइए क्या विधान है। राम राज आशित कल्याण है, निर्भर कम मानव का धर्म, भय ना भीति मुख्य राम राजनीति, जन जन की प्रीति, लोक संरक्षण, सबका आभास, परमानंद मंगल उद्भास, प्रेम परम तत्व, सब में समत्व, दैहिक दैविक ये भौतिक संतापों की औषधि, अच्युत राम बाण, राम राज्य आशित कल्याण, निर्वलम मानव का त्राण, प्रमुख अपंतव आस्था का घनत्व, वैभव विशाल, वेग करे वर्षम और सदा ही सुखाय। विशाल सब मस्त जनपद देश मस्त, उपद्रव ना ही और ना कोई आतंक, राम राज कल्याण। माँ कौशल अभी मात्र सुनने का है, इस मुकुट राम के साथ सदा उपस्थित होने का बना। सूर्यदेव ने मेरी यानी अयोध्या की धरती पर श्री राम को राम राज्य का वर्णन सुनाया, उसका आधार रखा और उनके मुकुट को अपनी रश्मियों से आशीर्वाद दिया। श्री राम के नेतृत्व में हर ओर खुशहाली, प्रेम, शांति और संयम फैला, हर ओर रोशनी, प्रकाश और जीवन का संगीत गूंजने लगा। राम राज्य का पथ दर्शाकर चल दिए सूर्यदेव,
पुनः अपने लोग ताकि अनंत काल तक अयोध्या ही नहीं पूरा विश्व उस शक्ति का संचार अनुभव कर सके। हर दिशा खेल उठी श्री राम के राम राज्य से, सूर्य देव के स्पर्श से पावन हुई मेरी धरती पर। जहां उनका रथ रुका था वहां स्वयं यह कुल बन गया। समय बदला, मेरा और इस कुंड का स्वरूप भी बदलता गया। स्कंद पुराण के अनुसार यह स्थल खुशार्क तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। जब प्रतापी राजा घोष यहाँ आए और उन्होंने ऋषियों को यहाँ स्नान करते देखा तो स्वयं भी किया, जिसके बाद उनका शरीर दिव्य निरोगी और अलौकिक हो गया। और इसी कुंड के जल से उनकी काया भी कांतिमय हो गई। यहाँ की गई उनकी घोर तपस्या का तेज आज भी अनुभव किया जा सकता है। दिन बीते, साल बीते और फिर अनेकों सदियों के बाद राजा दर्शन सिंह यहाँ आए। यही तपस्या करने के बाद उन्होंने यहाँ सूर्य मंदिर, कुंड और चारों ओर घाट का निर्माण कराया, जिससे यहाँ की प्रजा भी इस अलौकिक कुंड का लाभ उठा सके। सूर्य देव के महात्म्य से मैं अयोध्या और तेजमय हो गई, और इसका प्रमाण इस सूर्य कुंड और समीप स्थित गरिमा में सूर्य मंदिर से स्थापित हो जाता है। मैं अयोध्या इस हर्ष से पूरी नहीं समाती कि मेरी ही धरती पर राम राज्य की आधारशिला रखी गई। आज भी अयोध्या एकता, आस्था और शांति के लिए उदाहरण बनी हुई जैसे राम जैसे राम जैसे राम जैसे राम जैसे राम।
तो ये सुन देखो, तो हम लोग यहाँ से चल रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं नुआइश। दो बार नुमाइश जा रहे हैं क्या? नुमाइश कहीं जा रहे हैं नुमाइश। तो हमें लग गई भूख और हम लोग यहाँ आ गए। क्या खाने? आ गई हो तुम? बहुत भूख लग गई हम लोगों को घूमते घूमते, तो हम लोग आ गए खाने। बुरी लग रही है। हम लोग खा चुके हैं, जा रहे हैं घर। बस ये देखो, कुछ लाचार बेबस लोग जो कि कह रहे हैं मुझे मत लो। देखो ये लाचार बेबस। ये एक और देवी, एक और देवी जी इधर मुकर। ये बहुत अच्छी लग रही है। बिट्टू हमारा वेट कर रही थी। देखो बिट्टू आले वाले सुन, झुपचीट मेरा झुपचीट आले। वाह, घर जा रही हो क्या? ये दोनों लड़कियां घर जा रही हैं। चलिए जाइए, था था बाय बाय बाय।